सीताराम केसरिया, जन्म 1892, मृत्यु 1982। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम केसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े केसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम केसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकर्ण, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। धन्यवाद।